हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक ऑफ़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो उनके आयनिक नेचर के होते हैं अब इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिथियम हाइड्राइट के बारे में अब लिथियम हाइड्राइट के प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो पहला मेथड हो जाएगा फ्रॉम लिथियम एंड हाइड्रोजन गैस देखिए जब इन दोनों की रिएक्शन इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो लिथियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है सेकेंड मेथड हो जाएगा फ्रॉम लिथियम नाइट्राइड एंड गैस। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो लिथियम हाइड्राइड और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए लिथियम हाइड्राइड एक व्हाइट सॉलिड कंपाउंड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 680 डिग्री सेल्सियस होता है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए पहली रिएक्शन हो जाएगी वाटर के साथ जब लिथियम हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस रिलीज होती है सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ देखिए इन दोनों के रिएक्शन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है अब फ्यूज्ड लिथियम हाइड्राइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो कैथोड पर लिथियम कलेक्ट हो जाता है और एनोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है फिर नेक्स्ट हो जाएगी रिएक्शन विथ डाइबोरेन देखिए जब लिथियम हाइड्राइड और डाइबोरेन को इथर की परजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो लिथियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है अब लिथियम हाइड्राइड जब लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन इसके में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है अब देखिए लिथियम हाइड्राइड की बात करें तो ये दूसरे एल्कली मेटल हाइड्राइड से ज्यादा स्टेबल होता है और केमिकली एक्टिव भी होता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये ड्राई गैसेस जैसे Cl2, HCl और O2 से अफेक्ट नहीं होता है अब लिथियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसलिए इसका यूज ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, सल्फाइड्स और CO2 को रिड्यूस करने में किया जाता है अब बात करते हैं लिथियम हाइड्राइड के यूजेस की तो देखिए इसका यूज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किया जाता है इसी तरह से इसका यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रिपरेशन में भी किया जाता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है अब लिथियम हाइड्राइड का यूज एच टू के कन्वीनियंट सोर्स के फॉर्म में भी किया जाता है और इसको एयर सी रेस्क्यू बैलून्स में फिल किया जाता है इसके अलावा लिथियम हाइड्राइड का यूज लिथियम बोरोहाइड्रेट के प्रिपरेशन में भी किया जाता है और लिथियम बोरोहाइड्रेट का यूज जेट प्रोपल्सन में किया जाता है अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो देखिए लिथियम हाइड्रेट का जो क्रिस्टल होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है मींस ये एनएसएल के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है ये हो जाएगा हाइड्राइड का स्ट्रक्चर। पर ऑरेंज डॉट आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन डॉट हाइड्राइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर नेक्स्ट हाइड्राइड हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम सोडियम मेटल और हाइड्रोजन की रिएक्शन इस टेम्परेचर पर करवाते हैं इससे कलरलेस सोडियम हाइड्राइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अब इस रिएक्शन का जो रिएक्शन मिक्सर है उसको निकल बोट में रखा जाता है और ग्लास ट्यूब में इसको हीट किया जाता है अब इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखिए जब सोडियम हाइड्राइड को 330 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो ये अपने एलिमेंट्स में डीकम्पोज हो जाता है और इसकी रिएक्शन जब वॉटर के साथ करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है फिर इसकी रिएक्शन जब CO2 के साथ करवाई जाती है तो सोडियम फॉर्मेट format का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हाइड्राइड जब डाइबोरियम के साथ ईथर की रिएक्ट करता है तो सोडियम बोरोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है अब देखिए फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और कैथोड पर सोडियम मेटल कलेक्ट हो जाता है अब सोडियम हाइड्रेट की रिएक्शन जब ट्राइमिथाइल बोरेट के साथ करवाई जाती है तो सोडियम बोरोहाइड्रेट और सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रेट के यूजेज की तो देखिए सोडियम हाइड्रेट का यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है और इसका यूज सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रिपरेशन में भी किया जाता है और सोडियम बोरोहाइड्रेट भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेटिस प्रेजेंट होता है अब नेक्स्ट हाइड्राइड हो जाएगा पोटेशियम हाइड्राइड इसको प्रिपेयर करने के लिए पोटेशियम और हाइड्रोजन गैस को इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया जाता है और इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए पोटेशियम हाइड्राइड क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस की प्रजेंस में स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाता है और इसको अगर हीट करते हैं तो ये डीकंपोज हो जाता है और पोटेशियम हाइड्रेट की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो पोटेशियम फॉर्मेट format का फॉर्मेशन होता है अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एनएसएल के सिमिलर होता है अब नेक्स्ट कंपाउंड हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड इसको हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम फ्यूज कैल्सियम मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ इस टेम्परेचर पर करवाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 816 डिग्री सेल्सियस होता है अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए जब इसके फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और कैथोड पर कैल्शियम मेटल कलेक्ट हो जाता है फिर इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है फिर कैल्शियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम फॉर्मेट format का फॉर्मेशन होता है अब बात करते हैं इसके यूजेज की तो देखिए कैल्शियम हाइड्राइड का यूज H2 के सोर्स के फॉर्म में बैलून्स में फिल करने में होता है और इसका यूज जनरली मिलिट्री पर्पज में किया जाता है अब इसका यूज एज ए हाइड्रोजन सोर्स किया जाता है इसलिए इसको हाइड्रोलिथ कहा जाता है और किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ट्रेसेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने में भी कैल्शियम हाइड्रेट का यूज किया जाता है अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर इस की तो देखिए कैल्शियम हाइड्रेट में कैल्शियम प्लस टू आयन स्लाइटली डिस्टोटेड हेक्सागोनली क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में रहते हैं और कैल्शियम हाइड्राइड की जो यूनिट सेल होती है वो ऑर्थोरम्बिक होती है